सब्सक्राइब कीजिए इस खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल के निशान पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खावत अली। आप देख रहे हैं इस खावत अली टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब के जो टैक्स लगे थे, किन लोगों पर टैक्स लगे हैं या नहीं लगे हैं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे कि भाई आपने बोला है कि टैक्स लग चुके हैं, हमने कामा न्यू करवाया है, टैक्स कोई नहीं लगे। मेरे दोस्तों, हमने भी कामा न्यू करवाया है, बहुत सारे दोस्तों के कामा न्यू करवाए हैं, कोई टैक्स हमसे नहीं वसूला गया। वो टैक्स क्यों नहीं वसूला गया, इस वीडियो में मेरे दोस्तों मैं यही क्लियर करूंगा। टैक्स लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं हमसे वसूले गए वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं वसूलते वो, कब वो टैक्स वसूलेंगे हमसे, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज करके बार बार ये कहा है भाई आपने कहा है टैक्स लग चुके हैं, हमसे टैक्स नहीं लिया। किसी ने कहा है कि भाई आपने कहा था कि टैक्स माफ़ हुए हैं तो टैक्स लग गए हैं, हमसे टैक्स लिया जा रहा है। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का निशान आएगा उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई नई वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिले। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ओपन करके खुद देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद मैं आप दोस्तों का कमेंट क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने जो कहा है कि भाई हमने कामा न्यू करवाया, हमसे टैक्स नहीं लिए। सबसे पहले मैं आपको लिंक ओपन करके वेबसाइट दिखा देता हूँ, उस वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट है मेरे दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टैक्स जो ऐलान किया था वो लागू हो चुके हैं। आप मेरे दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसको ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि हमने कामा न्यू करवाया, टैक्स नहीं लिए। मेरे दोस्तों, ये कामा आपने न्यू करवाया है, अब आपका कामा ख़त्म हुआ है, ये पिछले साल में टैक्स नहीं लगा था इसलिए आपसे टैक्स नहीं वसूला गया। अब जो मेरे दोस्तों, अगर आप जैसे ये जनवरी है, 6 या 7 तारीख हो चुकी है, आज 7 तारीख हो चुकी है, जब मेरे दोस्तों आप अगले महीने में दूसरे महीने में कामा न्यू करवाएंगे तो आपको 400 रुपया टैक्स होगा, क्योंकि एक माह आपका हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में यही है कि टैक्स लगे नहीं है। मेरे दोस्तों, टैक्स अब से लागू हो रहे हैं, 2018 को पहले महीने को ये लागू हो रहे हैं, अब आपको देने पड़ेंगे। जो मेरे दोस्त दूसरे या तीसरे या चौथे महीने में कामा न्यू करवाएंगे उनको टैक्स देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके 3 माह हो गए या 4 माह हो गए, वो टैक्स उनको देना पड़ेगा। अगर जो दोस्त इस साल के एंड पे करवाएंगे उनको भी देना पड़ेगा टैक्स, जो अगले साल में कराएंगे उनको भी ये टैक्स देना पड़ेगा। लागू अब हो रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं कि भाई हमसे कामे का टैक्स नहीं लिया गया, क्योंकि मेरे भाई आपका कामा अब ख़त्म हुआ है, अब टैक्स लागू हुए हैं, आपका एक माह भी पूरा नहीं हुआ, आपसे कैसे वो टैक्स लें। मेरे दोस्तों, आपके माइंड में है कि टैक्स लगे नहीं है, मेरे दोस्तों टैक्स लग चुके हैं, आप अपने माइंड से ये निकाल दें कि टैक्स नहीं लगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कामा बनवा लेते हैं बाद में बोलते हैं कि हमें टैक्स नहीं लगे। मेरे दोस्तों, आपको कैसे टैक्स लगे, पिछले साल का टैक्स तो नहीं था, वो कैसे आपसे टैक्स लें। अब मेरे दोस्तों लागू हुआ है, एक माह से यानी कि 18 से शुरू हुआ है, आपका एक माह होगा, 2 माह होगा, 3 माह होगा, आप 5 माह हो चुके हैं, आपका कामा न्यू करवाते हैं तो आपको 5 माह का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको 8 माह हुए तो 8 माह का देना पड़ेगा। आप इस साल पे एंड पे करवाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों के माइंड में यही है कि हमने कामा न्यू करवाया, हमें टैक्स नहीं देना पड़ा, टैक्स माफ़ हुए। माफ़ नहीं मेरे दोस्तों, लागू हुए हैं, लेकिन इस माह के बाद जो कराएगा उसको एक माह पड़ेगा, जो दूसरे माह में या तीसरे में कराएगा उनको वो टैक्स देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।